अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं YouTube चैनल आलू का किचन। तो आज हमारे किचन में बनेगा मज़ेदार सा नाश्ता, कटलेट लॉलीपॉप। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, नमक ले लेंगे, सेंधा नमक ले लेंगे, कुटा हुआ ज़ीरा ले लेंगे, ऑरेगानो ले लेंगे, चिली फ्लेक्स लेंगे, कुटी हुई काली मिर्च लेंगे और थाइम्स ले लेंगे। ये सब मैंने हाफ टी स्पून लिया हुआ है। कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, अदरक पाउडर लेंगे, लहसुन पाउडर लेंगे हाफ टी स्पून, एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ बारीक प्याज, 6 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ। अब मैंने लिए 4 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू, उन्हें ग्रेट कर दिया हुआ है यानी कद्दूकस कर लिया है। अब इनमें हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। हसबे ज़ायका हम नमक डालेंगे, मैंने वाइट और सेंधा नमक यूज़ किया है, आप कोई एक भी यूज़ कर सकती हैं। ज़ीरा डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे। सेंधा नमक डालने से अच्छी खुशबू आएगी। अदरक पाउडर डाल देंगे, लहसुन पाउडर भी डाल देंगे, आपके पास पाउडर नहीं है तो पीस के भी डाल सकती हैं। हरी मिर्ची डालेंगे, प्याज डाल देंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे, इसको मिला लें इसको अच्छी तरीके से, मिक्स कर लेंगे इसको। अभी इसमें हम थाइम्स डाल देंगे, ऑरेगानो नहीं हो तो आप स्किप कर सकती हैं इसको, हरा धनिया ऐड कर देंगे, कोई एक चीज़ हो तो इसमें डाल दें। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे हम, मिक्स करके इसको छोटा छोटा बॉल बनाएंगे इसका। अब ये देखिए रेडी हो गया। अब इसमें मैंने जो छोटे बॉल बनाए इसमें वुडन चम्मच का यूज़ किया हुआ है। अब हम हथेली में तेल लगा के छोटे छोटे बॉल बना के उसमें वुडन चम्मच लगाएंगे। ये आप आइसक्रीम देखिए इस तरीके से, ये आइसक्रीम वाले भी चम्मच होते हैं, इन्हें शेप दे देंगे एक लॉलीपॉप की तरह। ये रेडी हो गया। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए ये हो गया, ये हमारे सारे तैयार हो गए। अब हम लेंगे ब्रेड क्रम्स और एक अंडा और दूसरा स्टेप बनाएंगे इसको। अंडे को फेंट लेंगे हम, अब एक कटलेट पकड़ेंगे, अंडे में डिप करेंगे और दूसरे हाथ से इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तरीके से। इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। ये देखिए हो गया। एक और पकड़ेंगे, अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे लाइक करना ना भूलें। ये तैयार हो गया, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें कटलेट डालेंगे। अच्छा, फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखी हुई है, ये सारा कुक हुआ है, बस हल्का फ्राई करना है। साइड चेंज करेंगे इसकी। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए मज़ेदार नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है, आप लोग भी इसको एंजॉय करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।